हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज शांजोल। साहब फ्रेंड्स, आपने मेरा व्यूअर इंडियन स्ट्रीट फूड का पार्ट 1 तो देखा ही होगा, तो आज मैं ये सिर्फ कॉपी कर लिया यू पार्ट 2। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि आज मैं ट्राई करने वाली हूँ इंडिया के मोस्ट व्यूअर स्ट्रीट फूड, जो कि पता नहीं क्या खाकर मेरा क्या ही हाल होगा। और व्यूअर फूड जैसे कि रसगुल्ला, चाय, गोलगप्पे शेक और काफी सारे अलग अलग टाइप के व्यूअर फूड, तो ये चार्ज होने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट चीज ट्राई करने वाले जो कि इंडियन ब्लॉगर्स खाते हैं बहुत ज्यादा व्यूअर फूड, जो कि है बाहुबली पानीपुरी। बाहुबली 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 पानीपुरी। तो अब हम लोग अंकल से बनवाने वाले हैं बाहुबली पानीपुरी, और ये होने वाली है हमारी फर्स्ट व्यूअर फूड आइटम। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि इसका साइज होगा थोड़ा बड़ा होगा। आलू की फिल्म जो होगी वो पहाड़ जैसी होगी। ये खाएगा पहला रेगुलर, उसके बाद जाएंगे ऑरेंज, गार्लिक, जीरा फ्लेवर, फिर आएगा तुम्हारा स्पेशल, इस तरह से नाम जाना जाता है बाहुबली। क्या बात है, बाहुबली पानी पूरी। ये थोड़ा सा बूंदी, थोड़ा सा हल्का सा सेव, फिर जाएगा थोड़ा सा हरा सा धनिया, अनार, और ये अभी ट्राई कर रहे हैं मैडम। ये क्या है? अब जल्दी से अंकल को यही सेम वीडियो दिखाकर उनसे बाहुबली पानी पूरी बनवा लेते हैं, और देखते हैं अंकल हाँ भी करते हैं चीज के लिए या फिर नहीं। तो अंकल फाइनली मान चुके हैं इस बाहुबली पानी पूरी को बनाने के लिए। अब आप देखो अंकल हमारी बाहुबली पानी पूरी कैसे रेडी कर रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे तो लड़क रहा है अंकल। तो यहाँ पर आ चुके हमारे बाहुबली सी पानी पूरी, और जो हमारी बाहुबली पानी पूरी है वो बहुत ज्यादा टूट रहे, जल्दी से टेस्ट करते हैं। और फूड ब्लॉगर्स ने तो भाई एक बार भी इसे खा लिया तो मेरा मुंह तो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं तो इसे तोड़ तोड़ कर खाऊंगी। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसे खाऊं। तो ये वियर्ड फूड मैंने एक बार में खा लिया था, और आलू के अलावा किसी चीज का टेस्ट ही ना रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वियर्ड फूड आइटम की तरफ। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वियर्ड इंडियन स्ट्रीट फूड था वो तो काफी ज्यादा बेकार था, इतना बड़ा गोलगप्पा कैसे खा सकते लोग। पर जो हमारा सेकंड इंडियन वियर्ड स्ट्रीट फूड है वो है ये। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, ये कुल्हड़ आ गया, कुल्हड़ के ऊपर यहाँ पे दे दिया गया पहले से रसगुल्ला। देखिए यहाँ का मोस्ट पॉपुलर ये रसगुल्ला चाय लगने जा रहा है, ये दे दिया गया गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ के अंदर, इसके अंदर है रसगुल्ला। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अंकल सर्व कर रहे हैं। ये हो गया अंकल रेडी है, ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, कितना बेहतरीन तरीके से रसगुल्ला ऊपर आ चुका है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये है एक रसगुल्ला चाय, जो कि पता नहीं लोग कैसे ही पी लेते हैं, पर हम लोग वियर्ड फूड चैलेंज कर रहे हैं तो हमें भी बनवानी पड़ेगी। तो अब मैं आ चुकी एक शॉप पर जहाँ पर आंटी बैठी है। अब आंटी से पूछते हैं हमारे लिए जहरीली चाय बना दिया फिर, अगर बना दिया तो हम लोग इसे ट्राई कर लेंगे, नहीं बनाए तो हम लोग चलेंगे किसी और शॉप पर। अब आंटी को दिखा देते हैं उसकी ये वीडियो। तो यहाँ पर है हमारे छोटे छोटे मिनी मिनी से रसगुल्ले। तो यहाँ पर मैंने अपने मिनी मिनी से 3 स्पंज डाल दिए हैं। अब आंटी इसके ऊपर डालेंगी चाय, फिर हमारी रसगुल्ले चाय हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर जो हमारी रसगुल्ले व्यूअर्स की चाय है वो हो चुकी है रेडी। तो सबसे पहले हम लोग इसे नॉर्मली टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली तो ये नॉर्मल चाय लग रही है, अब हम लोग टेस्ट करने वाले इसके अंदर का ये स्पंज। सही लग रहा है यार, ये क्या बोला तूने? सही लग रहा है यार, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है स्पंज ही खा रहे हैं नॉर्मल, और हल्का सा चाय का टेस्ट आ रहा है। आप एक बार वियर्ड फूड का ट्राई कर सकते हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वियर्ड फूड की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वियर्ड इंडियन स्ट्रीट फूड है वो है चॉकलेट मोमोज, जो की बनाएंगे हम लोग चॉकलेट सिरप के साथ। सबसे पहले आप चॉकलेट मोमोज की वीडियो एंजॉय कर लो। ठीक है, ये
पत्ता गोभी वाले मोमोज में उन्हें डाल दिया चॉकलेट सॉस और फिर बियर्ड मोमोज हो चुके हैं रेडी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं थोड़े से मोमोज और फिर उन्हें बिगाड़ देते हैं चॉकलेट सॉस के साथ। यहाँ पर आ चुके हमारे कैबेज वाले मोमोज। अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं चॉकलेट सिरप, फिर हमारे बियर्ड मोमोज और चॉकलेट मोमोज जाएंगे रेडी। तो यहाँ पर फाइनली हमारे बियर्ड चॉकलेट सिरप वाले मोमोज हो चुके हैं रेडी। अब जल्दी से इन्हें टेस्ट करके देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। बहुत बेकार है, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा गंदा है। अभी तक की बेस्ट बियर्ड स्ट्रीट फूड जो हमने खाए थे वो था रसगुल्ला चाय, पर ये तो बहुत बेकार है भाई। चॉकलेट सिरप के साथ इतने टेस्टी मोमोज का जो हाल है वो ये कुछ ये हो चुका है, क्योंकि कैबेज वाले मोमोज के अंदर मसाले होते हैं, मसाले के ऊपर चॉकलेट सॉस डाल दिया, तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार है। तो इस वाले वियर्ड फूड का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वियर्ड फूड की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंडियन वियर्ड स्ट्रीट फूड है वो है बना। सबसे पहले हम लोग लेने वाले बियर्ड से गोलगप्पे शेक के लिए गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे के बिना हमारा गोलगप्पा शेक बन ही नहीं पाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पर फाइनली मैंने पैक करवा लिया अपने गोलगप्पे। अब शेक वाले भैया से पूछते हैं हमारे लिए गोलगप्पे का शेक बनाते हैं फिर नहीं, अगर इस बेकार से चीज को नहीं बनाया किसी ने तो हम लोग घर पर पीस लेंगे, क्योंकि किसी का भी जो जार है वो टूट सकता है। पर तब भी हम लोग एक पूछ लेते हैं बन सकते हैं। नहीं, गजब बेइज्जती है। क्यों? मिक्सी भी टूट सकती है, जाग भी बेकार हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये मान नहीं रहे क्योंकि इनकी मिक्सी टूट सकती है और जो जार है वो नमकीन हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं गोलगप्पे शेक को बनाने के लिए अपने घर पर। फाइनली हमें घर पर आ चुके हैं, जल्दी से रेडी कर लेते हैं अपना गोलगप्पे का शेक। सबसे पहले हम लोग डालने वाले इसमें गोलगप्पे। अब हम लोग इसमें डाल देते थोड़े से पोटैटो। पता नहीं इसका टेस्ट जो है वो कैसा लगेगा। मेन चीज जिससे ग्राइंड होगा वो है ठंडा ठंडा सा मीठा गोलगप्पे का पानी। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा गोलगप्पा शेक हो चुका है रेडी, जो कि एकदम चाय की तरह दिख रहा है। पता नहीं लोग इसे कैसे बना लेते हैं और कैसे पी लेते हैं, पर वियर्ड फूड चैलेंज कर रहे हैं तो जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं कैसा होता है। सही लग रहा है। ये क्या बोला तूने? सही लग रहा है, असंभव। तो ओके तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही पर होता है मेरा वियर्ड फूड चैलेंज कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दो जल्दी से लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ यू विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।